प्यारे बच्चों, मैं सुफलेश सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल गैलेक्सी क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों का प्रतिशत हो गया था, लाभ हानि हो गया था, और फिर है अब साधारण ब्याज। क्या है साधारण ब्याज? ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है? देखिए, इसमें कुछ टर्म आएंगे, जैसे मूलधन। ठीक है, मूलधन, मूलधन आएगा। ठीक है, मूलधन हो गया, ब्याज एक टर्म आएगा। ठीक है, और मिश्र धन आएगा। ठीक है, मिश्र धन आएगा, और दर आएगी, और समय आएगा। बस यही आपके आसपास रहेगा, पूरा चैप्टर बस इन्हीं चीजों के आसपास रहेगा। एक एक चीज को समझ लेते हैं क्या है। देखिए देखिए देखिए, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि पहचान नहीं पाते मूलधन है कि मिश्रधन है कि ब्याज है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है। ठीक है, सूत्र रट लेते हैं कि जैसे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, लेकिन कैसे उसको रखा जाए, क्या दिया है, वो चीज नहीं समझ में आता। देखिए, दर क्या होती है? दर में तो हरदम प्रतिशत लगेगा। प्रतिशत का मतलब वो पूरी सालाना होती है। दर जो है सालाना या छमाही हो सकती है, तो वो क्या होती है? प्रतिशत होती है, प्रतिशत। ठीक है, होती है। समय क्या होता है? ये तो वर्ष में लिखा होता है, ये भी आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन इनमें कन्फ्यूजन होता है। देखिए क्या होता है, मूलधन क्या होता है? मूलधन, मूल का मतलब होता है जो मूल, यानी कि जो मुख्य था, यानी कि पहले धन था। जैसे आप किसी से उधार लेने गए, या किसी ने पहले कोई राशि दिया, यानी कि मूल राशि, जो पहले वाली राशि थी। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है क्या? पहली वाली राशि, पहले वाली राशि, पहले राशि, पहली राशि। पहली राशि का मतलब क्या होता है? जैसे आपने किसी से 100 रुपया उधार लिया। ठीक है, आपने किसी लैंडलॉर्ड से 100 रुपया उधार लिया, तो जो आप उधार लोगे तो वो आपकी मूल राशि हो गई, या आपने अपने बैंक में जमा कर दिया गया के वो मूल राशि हो गई। यानी कि जिस पर ब्याज मिलने वाला है, ब्याज मिला नहीं है, जिस पे ब्याज मिलेगा ऐसी राशि को मूल राशि कहते हैं। ठीक है, पहली वाली राशि होती है या मूल राशि होती है, यानी कि जिस पर ब्याज मिलेगा, जिस पर ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब ये जो है 100 रुपये आपने उधार लिए, अब जो है आपने जो है 100 रुपये उधार लिए, और 10% की दर से आपको वो पैसा दिया गया। 10% का मतलब क्या हो गया? दर, ये तो दर हो गई, लेकिन दर का मतलब तो समझिए क्या होता है। दर का मतलब ये हो गया, प्रतिशत हटाओगे बटे 100, यानी कि 100 रुपया पे आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। 100 रुपया पर आपको 10 रुपया देना पड़ेगा, ये मतलब होता दर का। ठीक है, 10% दर का मतलब क्या हो गया? 10% दर का मतलब हो गया 100 रुपया में 10 रुपया आपको देना। अगर आपने 100 रुपया उधार लिया है तो 10 रुपया देना पड़ेगा। अगर आपने 200 रुपया उधार लिया है तो आपको कितना देना पड़ेगा? 20 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने 300 रुपया उधार लिया है तो आपको 30 रुपया उधार लेना देना पड़ेगा। ये होता है 10% का मतलब। ठीक है, ये चीज हो जाती है दर आपकी। 5% है तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। किसमें? 100 रुपया में 5 रुपया। अगर आप उधार ले रहे हो ठीक है, लेकिन हमको 100 रुपया में 5 रुपया दे देना सालाना के। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर है 20% दर तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 रुपया में 20 रुपया आपको दर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मतलब हो जाता दर। ठीक है, ये मतलब हो जाता है दर। ठीक है, समझ में आया होगा। 100 रुपये में उतना रुपया, तो हमने 100 रुपया उधार लिया और हमें दर हो गई 10 रुपया, 10%। ठीक है, तो हम जानते हैं 10% जो है, 100 रुपया का 10% कितना हो गया? 100 रुपया का 10% कितना हो गया? तो 10% परसेंटेज कितना हो गया? 110 रुपया। यानी कि 10 रुपया इसका क्या हो गया? ब्याज हो गया। ब्याज कितना बन गया इसका? ब्याज कितना बन गया? 10 रुपया बन गया। तो जब जैसे हम किसी से उधार लेके आए, 10% पे उसने दिया हमें, और हम एक साल में उसको लौटा दिए, जाके ब्याज जो है उसका 10% हमने जो है चुका दिया। ठीक है, ब्याज हो गया उसका 10%।
तो कितना रुपया हो गया ब्याज और ये राशि, अब उसे हम लौटाएंगे जाकर, जैसे आपने उसको दिया जाकर लौटा के, तो कितना देंगे जाकर भाई? 100 रुपया जो उसका मूलधन है वो तो देबे करेंगे, और जो उसका ब्याज है वो भी तो दोगे, ठीक है? तो ये और ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा, ठीक है? 110 रुपया हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीजें कुछ हो जाती, क्या मूलधन हो जाता है, ठीक है? ब्याज क्या होता है? ब्याज तो यानी कि ब्याज क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है, ठीक है? मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है इसमें, ठीक है? मिश्रधन क्या होता है कि इसमें जो है मिश्रधन क्या होता है, इसमें मूलधन भी होता है, ब्याज होता है, दोनों चीजें होती हैं, यानी कि मूलधन भी होता है प्लस ब्याज भी होता है, दोनों चीजें होते हैं। फॉर्मूला ना भूलिएगा, क्या मिश्रधन क्या होता है? मिश्र यानी कि दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, किसको? मूलधन को, ब्याज को भी। भाई जो आप उधार लेके आए उस पे 10% का ब्याज रख लो, ब्याज और उधार कुल तो चुकाना पड़ेगा ना, तो कुल चुकाओगे, तो ये होता है मिश्रधन। और ये हमेशा क्या होगा? मिश्रधन हमेशा मूलधन से ज्यादा ही रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि इसमें ब्याज मिला होता है। ये मूलधन क्या होगा? ये कम वाला हो जाता, कम राशि होती है, ठीक है? इसके कंपेरिजन, और ये क्या होती? बड़ी राशि होती है, इसे ज्यादा धन होता है, ज्यादा राशि होती है, ज्यादा राशि। अगर इन दोनों की तुलना किया जाए तो हमेशा मिश्रधन ज्यादा वाला हो जाता है और ये कम वाला हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज होती है। ब्याज क्या होता है? जो आदमी की इनकम होती है, इनकम, इनकम का मतलब जो कमाई होती है भाई। लाला जैसे कोई लोग देते हैं, धन देते हैं ना, जैसे जिम्मेदार वगैरह धन देते हैं, तो वही तो उनकी कमाई हो जाती है। जो 10 रुपये कमाए हैं धन पर, वही तो उनकी कमाई हो गई, तो वही उनकी इनकम हो जाती है, ठीक है? या उनका ब्याज हो जाता है। लैंग्वेज ऐसी प्रयोग करेगा, ब्याज हो जाता है, ठीक है? ब्याज हो जाता है या मिश्रधन हो जाता है। तो हो जाता है का मतलब या तो मिश्रधन होगा या तो ब्याज होगा। अब जैसे मूलधन आपका 100 रुपया हो गया, ब्याज आपका 10 रुपया हो गया, तो ये 110 हो गया। तो देखिए ब्याज इससे बहुत कम होता है, ब्याज इससे बहुत कम होता है, मूलधन से ब्याज बहुत कम होगा, या 4-5 सालों का जुड़ के तब ज्यादा हो सकता है। अब देखिए इस पे हम क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं तब आपके समझ में आएगा, ठीक है? बस दो तरीके का क्वेश्चन इसमें रहेगा। ब्याज बराबर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है? PRT बटे 100, ठीक है? PRT बटे 100 क्या होता है? प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, बटे 100 हो गया। एक दूसरा हो गया इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला क्या होता है कि मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दीजिए, ठीक है? तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ अगर इन दोनों फॉर्मूलों को मिला दोगे, इन दोनों फॉर्मूलों को मिला दोगे तब क्या फॉर्मूला बनेगा? तब ये इसकी जगह पर ये चीज रख देंगे तो क्या बनेगा? मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है? तो ये भी आपके काम, क्या ब्याज ब्याज दोनों को बराबर कर दिया। तो अब इस पे लगाते हैं क्वेश्चन जो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा, 800 रुपये का 6% की दर से 3 वर्ष का, 3 वर्ष का कितने रुपया हो जाएगा? तो हो जाएगा का मतलब जो है 800 रुपये का कितना हो जाएगा। तो देखिए 800 रुपया जैसे लग रहा है कि ये अभी का है, और कितना भविष्य में हो जाएगा, यानी कि समय के साथ जो बाद में हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए सवाल को जरा समझिए, 800 रुपये का 6% की दर से 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, यानी कि जो हो जाएगा यानी कि बाद में जो देना पड़ेगा वो तो ज्यादा होगा ना, वो मिश्रधन होगा। अभी जो है शुरुआती वाला, शुरुआती वाला ये मूलधन है, तो रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा? पता नहीं कितना हो जाएगा, रखते हैं इसमें। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? मूलधन कितना? 800 रुपया। दर कितनी है? दर दे रखी 6%। समय 3 वर्ष का कितने हो जाएंगे? पता नहीं, यानी कि धन कितना हो जाएगा? ये कट गया, तो 8 × 48 = 43, 48 = कितना हो गया? 50 तें 150 में 6 कम 144, ठीक है? इतना हो जाएगा, ठीक है? 144 रुपया हो जाएगा, क्या? ब्याज, ब्याज हो जाएगा। तो धन क्या? मिश्रधन पूछा है, तो कितने हो जाएंगे मिश्रधन, यानी कि तो मिश्रधन हो जाएगा कितना है? ये आपका मूलधन था, यानी कि 800 रुपया, और प्लस उसमें जो है इतना जोड़ दिया, यानी कि 944 रुपया हो जाएगा धन हो जाएगा जाकर, ठीक है? ब्याज अगर पूछा जाएगा तो 144 हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, 1600 रुपये का
4 वर्ष में SI जो है यानी कि साधारण ब्याज है वो 576 रुपया है, तो दर बताना है, ठीक है? तो दर बता देंगे भाई, ब्याज दे रखा कितना 576, यहाँ पे रख देते हैं 576 बराबर मूलधन कितना हो गया, मूलधन दे रखा 1600, तो 1600 हो जाएगा। और दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है, नहीं दर है तो निकालनी है, दर को आर मान लो। समय कितना दे रखा, 4 वर्ष, 4 वर्ष बटे में 100 काटेंगे, ये 0 0 कट गया, ये दोनों चीज़ें नीचे आ जाएंगे, 576 बटे में 16 और 4 नीचे आ गया, तो कितना हो गया आर रेट निकालेंगे, 16, 16 से काटो, 16 त्याई 48, 48 और 6 बच गया, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 36 आ गया, 4 से गया 9 आ गया, यानी कि 9% आपकी रेट हो जाएगी, यानी कि दर कितनी आ गई 9%। एक ही फॉर्मूले से आपका सब कुछ निकलता रहेगा, ठीक है, निकलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राशि पर 5%, 5% क्या है, ये दर दे रखी है, ठीक है, कि दर से 4 वर्ष यानी कि ये क्या दे रखा, समय दे रखा है, में 400 रुपये आमदनी होती है, ठीक है, 400 रुपया आमदनी होती है, तो उसकी राशि बताइए, तो यानी कि इसमें राशि आमदनी, आमदनी क्या है, ये ब्याज दे रखा है 400 रुपया, ठीक है, अब ती मूलधन बताना है, ठीक है, दर कितनी दे रखा है 5% और 4 वर्ष, यानी कि 5/4/100, ये फॉर्मूला, ठीक है, रख देते हैं, रख क्या देते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं, नीचे ऊपर वाली चीज नीचे फेंक देते हैं, 400 × 100/5 × 4, 5 × 20 भी लिखा जा सकता है, यानी कि 20 हो गया बराबर में मूलधन, ठीक है, तो 20/500 ये भी हो सकता है, 20/500 काट दीजिए, अब 5 × 20 और 2 0 और 2 0 और, यानी कि 2000 रुपया मूलधन हो गया, ठीक है, क्या हो गया 2000 रुपया मूलधन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा। अब देखिए लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, कौन सा धन हो जाएगा 6600, यानी कि कौन सा धन, अभी कौन सा धन है वो समय के बाद 6600 रुपया हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें कौन सा धन हो जाएगा यानी कि समय के बाद इतना हो जाएगा, तो ये हो जाने का मतलब है ये आपका मिश्रधन दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, ये मिश्रधन दे रखा है, और यानी कि मूलधन पूछा है, तो मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या कि जो है मिश्रधन माइनस इसकी जगह क्या रखा जा सकता है, मिश्रधन माइनस मूलधन अब बराबर PRT बटे 100, यही चीज हो गई, ठीक है, मूलधन की जगह P हो गया, मिश्रधन की जगह अमाउंट हो गया, अब अमाउंट की जगह कितना दे रखा है 6600 रुपया, पी कितना है यही निकालना है, पी निकालना है, ठीक है, अब क्या है कि 8% और 4, ये 8 दे रखा और 4 दे रखा बटे में 100, ठीक है, इतनी चीज हमने रखी, अब क्या करेंगे कैसे करेंगे, अब इसको काटिए, 4 से काट देंगे 25 आ जाएगा, इतना हो गया ना, अब हम जानते हैं ये कितना हो गया 6600 - P बराबर 8P बटे में 25 हो गया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 6600 = 8P/25 प्लस का P आ गया, यानी कि उसी में क्या होगा जुड़ जाएगा, जब जुड़ जाएगा तो इधर एलसीएम ले लेंगे, 25 × 25 = 8, 33 हो गया, यानी कि 33P/25 बराबर में 66 हो गया, ये से 33 दूना काट देंगे या नीचे जाएगा ये, ठीक है, क्या होगा ये नीचे जाएगा, 33 कहाँ जाएगा नीचे, ये ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 66 × 25 और ये नीचे जाएगा 33 बराबर में पी, तो कितना आ जाएगा 33 दूना इतना 25 × 50 यानी कि 5000 रुपया आपका आ जाएगा, ठीक है, 5000 रुपया आपका आ जाएगा। अब देखिए यहीं से थोड़ा सा ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है यहीं से आप बना सकते हैं, क्या ये इधर चला गया प्लस का पी हो गया, ठीक है, प्लस का पी हो गया, अब पी हमने कामन ले लिया, तो पी जब कामन लेंगे तो आ जाएगा RT/RT और 100 × 100 हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा बटे में ए हो जाएगा, इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, ए 6600 रुपया हो गया, पी निकालना है, आरटी कितना है, आरटी आपका दे रखा है 8 और 4, ठीक है, यहाँ पे 8 रखेंगे, 4 8 = 32, 32 और 100 132 हो गया बटे में 100 हो जाएगा, काट देंगे 32 का आधा 66 बटे 50,
66 से 66 काट दीजिए, 50 का इधर गुणा कर दीजिए, 5000 आपका आ गया, ठीक है। तो इससे निकल सकता है, लेकिन आपको सूत्र कितना रटेंगे, सूत्र ना रटिए, केवल एक ही सूत्र से आप केवल कैलकुलेशन कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 441 अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि राम 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार लेता है, तो यानी कि उधार लेगा वो क्या मूलधन ही तो लेगा, उधार लेता है, और रहीम 5% प्रति वार्षिक की दर पर 2000 रुपया उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में दोनों का ब्याज बराबर हो तो राम के द्वारा ली गई उधार राशि बताइए। अब देखिए इसमें से 3 प्रकार के आपके सवाल बनेंगे, क्या ब्याज या तो जो है दोनों का बराबर हो जाएगा, दो लोगों का होगा, या तो ब्याज दोनों का बराबर होगा, या फिर क्या कहेगा ब्याज पहला वाला प्लस ब्याज दूसरा वाला का, ठीक है, योग कर दीजिए, योग हो जाएगा, ठीक है, योग देगा, या तो ब्याज पहला वाला माइनस ब्याज दूसरा वाला और उसका अंतर होगा। ये 3 टाइप के आपके सवाल और बन सकते हैं इसमें, ठीक है टीम। या तो बराबर कह सकता है, या तो जो योग कहेगा, या तो माइनस कहेगा, तो जैसा कहेगा वैसा हम लोग एक एक सवाल कर लेते हैं। तो कह रहा है कि देखिए कैसा हो जाएगा, तो इसमें क्या कह रहा है, दोनों का ब्याज बराबर है, यानी कि ये वाला ब्याज बराबर ये वाला ब्याज, ठीक है, राम का ब्याज बराबर रहीम का ब्याज, तो इसमें क्या हो जाएगा P1 R1 T1/100 बराबर P2 R2 और T2/100 हो जाएगा, यानी कि पहले वाले का मूलधन गुणे दर गुणे समय और दूसरे वाले का मूलधन गुणे दर गुणे समय, ऐसे 100 तो हट जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने पे ये इससे 100 कट जाएगा, तो इसको अभी से ना लिखें। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है। अब दे ये रखा है 8% की दर पर कुछ धनराशि लिया, ठीक है, और 3 वर्ष दोनों का समय भी 3-3 दे रखा है। ये राशि थी पी, कुछ पी था, कुछ मान लेते पी है, 8% की दर से 3 वर्ष में कुछ लिया, और दूसरे वाले बंदे ने 2000 रुपया लिया, कितना 2000 रुपया लिया, कितनी दर से उसने लिया है 5% की दर से, और वही है समय 3 वर्ष का। पी हमें निकालना, तो पी बराबर क्या होगा, ये दोनों नीचे चले जाएंगे, 2000 × 5 × 3/8 × 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पहले भी काट सकते थे, ऐसे काट लेते, ठीक है, अब 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 8 × 8 = 16, 8 × 16 4 × 8 = 2500 आ गया, 25×5 = 125 हो गया, यानी कि 1250 रुपया उसका आंसर हो जाएगा, 1250 रुपया, ठीक है। अब हम ये चीज़ यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है, आपको सिखा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा लंबा हुआ जा रहा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, आपको कम से कम पहले गाड़ी चलानी तो आनी चाहिए, भगाएंगे तो बाद में, ठीक है, पहले गाड़ी चलाना सीखिए। ये चीज़ हो गया आपका, ब्याज बराबर वाला हो गया। अब ब्याज योग वाला देख लेते हैं, एक सवाल 75 हो गया, 31 हो गया, तो ये कह रहा है, ये कह रहा है 8000 रुपये पर 6% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज से 5% की दर से 3 वर्ष के ब्याज से 840 रुपया ज़्यादा है, तो ज़्यादा है का मतलब क्या है कि अंतर दे रखा है, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है, एक चीज़ दूसरे से ज़्यादा है या कम है का मतलब क्या है, अंतर है, हमेशा जब भी चीज़ आप देखिएगा क्वेश्चन में ज़्यादा है या कम है, कम मतलब अंतर हो जाए, यानी कि ब्याज है पहला वाला माइनस ब्याज है दूसरा वाला बराबर में जो भी दे रखा हो, ठीक है, दोनों का अंतर कितना ज़्यादा है, 840 रुपया, तो ये 840 रुपया ज़्यादा हो जाएगा। अब ये रख देते हैं, ध्यान रख देते हैं, यानी कि P1 R1 T1/100 - ठीक है, P2 R2 T2/100 बराबर में 840 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू रख देंगे 8000 रुपये पर 6% की दर से 3 वर्ष का,
8,000 रुपये पर 6% का 3 वर्ष का कितना 100 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए। ठीक है, दूसरे वाले का धन बताना कि कितने धन पर, ठीक है, 5% की दर से 3 वर्ष का, यानी कि एक्स मान लीजिए दूसरा धन हो जाएगा एक्स, और 5% और 3 वर्ष बटे में 100 हो जाएगा, बराबर में 840 हो जाएगा। ये आपसे हो जाएगा, एक्स का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालना है, ये 100 से 100 कट गया, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। 8 छंग 48, 48 तिहाई 144, ठीक है, 0 14 100 आ गया। माइनस का अब ये किससे काटेंगे, ये आ गया 20 आ गया, यानी कि 3x/20 बराबर में 840। अब क्या करेंगे, ये इधर चला गया और ये इधर चला आया, तो कितना 1400 में से 840 गया, 1440 में से 840 चला गया, तो 40 से 40 चला जाएगा, ठीक है, और 1400 से 800 जाएगा तो 600 बचेगा, 600 बराबर 3x/20 हो जाएगा। ये उधर चला गया, इधर आ गया, जब ये इधर आया तो माइनस हो गया, तो 800, 1400 में से 800 चला गया तो 600 बच गया। 3 से काट दोगे, 3 दूनी 6, और ये इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि जो हो जाएगा 4000 बच गया। ये आपका आंसर हो जाएगा 4000, ठीक है ना, 4000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4000 यानी कि ये धन था। तो जब कोई धन किसी से ज्यादा या कम होगा तो उसका सीधा सीधा आंसर ही, ठीक है, यानी कि उत्तर ही होगा, ठीक है। अगला है, ठीक है, कह रहा है 8,000 रुपये पर 6% की दर से 2 साल का ब्याज तथा अन्य राशि पर, ठीक है, अन्य राशि पर 3% की दर से 4 वर्ष का ब्याज का योग 1680 रुपया। इस बार योग दे रखा है, तो योग दे रखा है तो कितना 1680 रुपये, यहाँ पे 1680 रुपये योग रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे क्या, 8,000 रुपया पर कितने परसेंट है, 6% की दर से है और 2 वर्ष का है, बटे में 100 हो जाएगा, प्लस कर देंगे क्योंकि अब तो योग दे रखा है इसलिए प्लस कर देंगे। दूसरी राशि एक्स ले लेते हैं, का 3 × 4 बटे में 100 हो जाएगा, बराबर ये 1680। हल कैसे करेंगे, 0 0 काट दीजिए, ठीक है, 8 छंग 48, 48 दूना 96, 960 हो गया, प्लस में ये हो गया 25, यानी कि 3x/25 बराबर में 1680। अब ये चीज़ इधर जाएगी, माइनस हो जाएगी, 3x/25 बराबर 1680 में से 60 गया, 1680 में से 960 गया, तो 20 आ गया, और 6 × 7 720 आ गया, बराबर में 3x/25 हो गया, 3 से काट दो 24 आ जाएगा, ये इधर गुणा कर दो 24 से, तो 24 × 25 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 24 × 25 और ये 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 25, 625, 600 आ जाएगा, 600 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो हमने देखा कि बराबर ब्याज हो जाता तब क्या करते, बराबर कर देते हैं, अगर ज़्यादा या कम देगा, ज़्यादा भी कहेगा या कम भी करेगा तो यानी कि अंतर ही कह रहा तो अंतर रख देते हैं, यो कहेगा तो यो, तो इस प्रकार के आपके सवाल ये बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आपके सवाल बन जाया करते हैं। अगला है, अगला ये कह रहा है कि अगला ये कह रहा है कि कह रहा है कि किसी धनराशि पर, ठीक है, ब्याज साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है, यानी कि ब्याज जो है, ब्याज बराबर मूलधन का कितना है, 25/16 है, 25/16 हो जाता है ब्याज जो है मूलधन का इतना, तो मूलधन नीचे चला आएगा, मूलधन यहाँ हो जाएगा, ब्याज जो है मूलधन का इतना हो जाता है, तब ब्याज दे रखा है मूलधन दे रखा है, तब क्या निकालना, क्या है, तब निकालना है कि जो है तथा दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर हो, तो दर बताइए, ठीक है, तो क्या ब्याज की जगह 25 रख दो, ठीक है, मूलधन की जगह पे 16 रख दो, ठीक है, दर की जगह पे एक्स और एक्स रख दो, बटे में 100 हो जाएगा, निकल आएगा बड़े आराम से, ये इधर चला गया 25 × 100 बटे में 16, ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लगा दोगे इसका, अब अंडर रूट का 5 निकल आया, ये 10 का स्क्वायर होता है, अरे ये 4 का स्क्वायर होता है, 2 से काट दो 5, यानी कि 25/2 आ जाएगा, 12.5 आ गया आपका, हो गया, ठीक है, क्या जो लैंग्वेज कहेगा इसी सूत्र में रखा जाएगा, इसी सूत्र में रखा जाएगा, ठीक है। अन्य सवाल है, जैसे
कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर इतने वर्षों में, सो छः सही 1/4 वर्षों में, ठीक है, 4 वर्षों में साधारण ब्याज राशि का 3/4 हो जाता है। साधारण ब्याज यानी कि ब्याज जो हो जाता है वो राशि का 3/8 हो जाता है, यानी कि राशि नीचे आ जाएगी, राशि नीचे आ जाएगी, यहाँ से यहाँ चली आई। अब ब्याज की जगह कितना, ब्याज की जगह 3 रुपया रख दोगे, मूलधन कितना है 8 रुपया है, इनटू में 6 सही कितना दे रखा, 6 सही 1/4 ये दे रखा है, समय 6 सही 1/4, 4 6 24 1 25/4 यहीं पर रख देते हैं, दर कितना 25/4 के इंटू में समय निकालना है, क्या निकालना है, वर्ष है तो दर बतानी है, तो दर बतानी है, बट्टे में 100 हो जाएगा, काट दो 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 इधर चला आएगा, 6 आ गई, क्या दर आ गई, बस हो गया आपका, क्या हो गया, दर हो गया। तो इस तरीके से कुछ भी दिया हो आपका इसी फॉर्मूला पे लगेगा, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया सिंपल, थोड़ा सा सिंपल हो गया, ठीक है। अब इससे कठिन कठिन और ज़्यादा सवाल हैं, तो आपको ये सभी कठिन वाले सवाल आपको स्टैंडर्ड वाली मैथ में मिलेंगे, पहले इतना सीख लीजिए जम के, जब इतना सीख जाएंगे तो उसमें ट्रिकों से लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिकों से लगाएंगे, ठीक है ना। जब इतना आपको आ जाएगा बेसिक तब ट्रिक समझ में आएगी, वरना ट्रिक आप भूल जाओगे, आज पढ़ाएंगे कल भूल जाओगे, ट्रिक काम नहीं आती है, ठीक है। आपको नॉलेज, तो पहले नॉलेज सीख लीजिए, फिर हम लोग ट्रिक सीखेंगे, ठीक है ना। तो इतना ही रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त।